दोस्तों आज के टूर का डेस्टिनेशन है झारखंड का वो स्थान जो प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध तो है ही और आस्था का केंद्र भी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का ये व्यू बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो आज चलिए चलते हैं उस जगह पे, पहुंच के बताते हैं कि किस जगह जा रहे हैं। दोस्तों झारखंड के राजधानी रांची से सटे हुए प्रमुख और खूबसूरत पर्यटन स्थल के विषय में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को अब पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों फाइनली अभी हम लोग घगारी धाम आए, भगवान शिव का मंदिर उतरे हैं और जाएंगे फिर पूजा करने, पूजा करके फिर नीचे जाएंगे। आप अभी प्रकृति के इस खूबसूरती को देख रहे हैं, अभी नीचे जा करके इस खूबसूरती को बहुत ही नजदीक से आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों खगारी धाम में भगवान शिव का मंदिर है और आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है नदी से, और ये बगल में नदी है जिसमें अभी पानी कम है। अंदर जाकर के अभी हमें नदी से जल लेना है और भगवान शिव पर अर्पित करना है। और ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पत्थर, चट्टान और खतरनाक चट्टान खूबसूरत होते ही हैं क्योंकि वो प्राकृतिक सौंदर्यता का प्रतीक होता है, और खतरनाक इस तरह भी कि अगर पैर फिसल गया तो हो सकता है पैर में चोट भी लग सकता है, तो संभल के जाना है और संभल के आना है। सर पे हाथ रख तेरा।
दोस्तों पूजा हो गया, अब हम लोग चलते हैं नीचे के तरफ और नीचे से व्यू दिखाते हैं ऊपर का और भी नीचे का। तो चलिए नजदीक, अभी जो ये सपाट सा देख रहे हैं ना, जब बारिश होता है तो इस पे पैर रखना भी आसान नहीं होता, तो अभी वहाँ जाना संभव नहीं था, लेकिन सूखा होने की वजह से अभी हम लोग वहाँ चले जाएंगे। दोस्तों अभी प्रकृति के जिस खूबसूरती को आप देख रहे हैं, उस खूबसूरती को हम महसूस करके आए हैं, वहां से लौटने का मन नहीं करता है, इतना खूबसूरत दृश्य प्रकृति का सचमुच में मन मोह लेता है। नया घास है, देखिए ना घास का पोटल लाद से गिर जाएगी। हम लोग का पिकनिक का तैयारी हो रहा है यहाँ पे, देखो कैसे सब बेडशीट बिछा रहा है, रेडीमेड पिकनिक होगा। बहुत मजा आपसे यहाँ जमवानो छे। कुछ गुजराती लोग भी हमारे ग्रुप में है। भाषा समझ में आया हो तो ठीक है, मतलब समझ लीजिएगा कि बढ़िया बोली है कुछ। मजा मा समझ लिए। चलो बोतल है धो लो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय गगारी धाम। अच्छा बना भाई मंचूरियन, हम बनाए हैं, ठीक है ना? यम यम। ठीक है, थैंक यू। छोटा मोटा पिकनिक का तैयारी हम लोग का चल रहा है, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे ना कहीं और। किधर चलना है? साईं मंदिर, फिर वहाँ से चलेंगे लतरातू डैम। लतरातू डैम, चाय बन रहा है, चाय बांटने वाली भी तैयार है, देख लीजिए इसको। चाय का कप लेकर के, खाली कप लेकर के, ₹10 कप, लेकिन अभी चाय बनने में देर है। और पहला उबाल आया है, उसमें फिर पानी डाल दिए हम लोग। ये लाखों जो है ना, यहाँ पे वैद्य लोग बहुत रहता है ना। हाँ, यही इधरे ना रहता है वो हड्डी वाला जोड़ वाला, इधर का बहुत जड़ी बूटी को पहचानता है। जो जंगल में रहने वाला है वो तो जानेगा, हम ही लोग गांव में रहते तो कितना चीज का जाता, काट जाता दवाई लड़ने जाते थे। वहीं पे वो होता है छोटा सा पौधा घास टाइप का, उसको रस निकाल के हम लोग उसी से ठीक हो जाते थे। गेंदा फूल ना है, वो चौड़ा पत्ता होता है, कुकरौंधा हम लोग बोलते है वो चीज को, उसका रस बहुत होता है उसमें ना, बहुत रस होता है पत्ता में, पतले ही पत्ता होता है, लेकिन जब उसको रगड़िएगा ना तो एकदम पानी जैसा ढेर हरा जैसा निकलेगा। कहता ना आयुर्वेद में तो आधा से ज्यादा औषधि तो हमारे घर में होता है, घर में, लेकिन पता लोगों को नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर है
दोस्तों अब हम लापुंग में स्थित साई मंदिर पहुंच चुके हैं और ये है साई मंदिर का भव्य गेट। हम लोग चलते हैं अब अंदर और करते हैं दर्शन श्री साईनाथ जी से। दोस्तों ये साई बाबा का मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही मन में एक बहुत ही सुकून मिल रहा है, जो अनुभव करने का बात है। बड़ा ही शांति और सुकून महसूस हो रहा है यहाँ पे। आप यहाँ आसपास देख रहे हैं गार्डनिंग बहुत ही खूबसूरती ढंग से किया जा रहा है और बहुत बड़ा क्षेत्र में ये बना है। बहुत ही सुंदर जगह भी है और शांत। जय साईनाथ। और ये साईं बाबा का प्रतिरूप बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत जगह है। अच्छा लगा आके यहाँ पे। देखिए उधर भी दे। ये चालू है। डांटना इसको, बहुत बदमाश है। साईं जी का भोग खिचड़ी और प्रसाद है, स्वादिष्ट तो है ही। आनंद आ गया। दोस्तों आज के टूर का लास्ट पड़ाव, आखिरी पड़ाव है लतरातू डैम, जो कि साई मंदिर के बाद हम लोग निकले हैं। और दूर से नज़ारा दिख रहा है, बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है डैम का। दोस्तों 1 जनवरी के रोज डैम पे पिकनिक मनाने वालों की अब बहुत भीड़ होता है, बहुत ही खतरनाक भीड़। तो अभी तो हम लोग आ चुके हैं ऐसे ही, बहुत ही शांत शांत लग रहा है। जितना शांत अभी लग रहा है 1 जनवरी को, उतना ही आतंक फैलाए रहता है डैम पे। लोग दूर दूर से यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है पिकनिक मनाने का और घूमने फिरने का। बस यही है कि बहुत थोड़ा एकांत एरिया में पड़ता है, तो सतर्कता जरूरी है। डैम के दूसरे तरफ ये छोटा सा नहर है जो डैम से जुड़ा हुआ है और इसमें डैम का पानी छोड़ा जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में खेती बाड़ी में बहुत ही सुविधाजनक होता है। और इस तरफ देख रहे हैं बहुत ही शानदार हरियाली और खूबसूरत सा दृश्य। लतरातू डैम आए अभी पहुंचे हैं और ये लतरातू डैम का व्यू बहुत ही सुंदर। लतरातू, लतियातू नहीं, लतरातू। अब यहाँ तक जब आ ही गए तो थोड़ा नीचे उतर के फोटो वोटो खिंचा ही लेते हैं। कैसा, पिकनिक तो मनाना नहीं है, बस घूमने आए हैं, तो थोड़ा नीचे और नज़दीक जा करके घूमते। अभी इस तरफ से हम लोग जा रहे हैं ना,
तो फ्री फोकट का घूम लेंगे। मेन गेट की तरफ से जाएंगे ना तो सुनते हैं टिकट लेता है। हम लोग मुफ्त में पूरा घूम लेना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का टूर वाला वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का अच्छा टाइम पास हुआ होगा और हम लोग का भी बहुत बढ़िया टाइम बीता। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ और तैयारी करते हैं एक नए वीडियो का, आप लोग के सामने फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा, बाय बाय, टाटा।